बीजेपी पर इस विशेष आशीर्वाद के साथ ही बंगाल की जनता दीदी को लोकतंत्र का मतलब भी समझाने जा रही है। जिस प्रकार दीदी पश्चिम बंगाल को अपनी और अपने भतीजे की जागीर समझ बैठी है, जिस तरह की हरकतें कर रही है, उसे देश भली भांति जान गया है। साथियों, चुनाव प्रचार के दौरान और खासकर बीते 3-4 दिन से यहां जो हो रहा है वो आप सभी देख रहे हैं। टीएमसी के गुंडों ने जो नर्क यहां बना रखा है, जिस प्रकार की हिंसा यहां फैला रखी है, उसके कारण गणतंत्र बदनाम हुआ है। टीएमसी के इन गुंडों ने जिस प्रकार का तूफान मचा दिया और एक कमरे में बंद जहां ताला लगा हुआ है, वहां पर रात को महान शिक्षाविद, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, क्या कारण है? सरकार जैसे नारदा शारदा के सबूत मिटाए, वैसे इसके सबूत मिटाने में लगी है। ये साफ दिखाता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए दीदी किस स्तर पर जा सकती है। साथियों, ईश्वरचंद विद्यासागर जी सिर्फ बंगाल के ही नहीं पूरे देश के सपूत थे। उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचाकर जिन लोगों ने काम किया है, ये पाप किया है। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक भारतीय जनता पार्टी के चिंतन को गढ़ने में बंगाल की संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बंगाल के गौरव की रक्षा करना ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। आज ईश्वरचंद विद्यासागर जी जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे कि कौन सा दल बंगाल के गौरव की रक्षा के लिए लड़ रहा है और कौन घुसपैठियों की रक्षा के लिए काम कर रहा है।